छात्रों, आज की वर्चुअल क्लास में चैटली हेड के अपन क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31 को करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29, जिसको मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के थोड़ा सा इसका खुलासा कर देता हूँ। अनिल पिछले 11 वर्षों से बिरला प्राइवेट लिमिटेड में नियुक्त है। उन्हें बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव है। कंपनी ने उनको 10 अगस्त 2016 को ₹10 प्रति अंश की दर पर कंपनी के 1000 क्षमता अंश क्रय करने का विकल्प दिया। उस दिन अंशों का उचित बाजार मूल्य ₹200 प्रति अंश था। उन्होंने विकल्प का उपयोग 20 मार्च 2019 को 800 अंशों के क्रय के लिए किया। विकल्प के उपयोग के दिन इनका उचित बाजार मूल्य ₹2500 प्रति अंश था। कंपनी ने 800 अंशों का आवंटन 18 अप्रैल 2019 को किया। उस दिन अंशों का उचित बाजार मूल्य ₹2800 प्रति अंश था। अनुलाभ का मूल्य क्या होगा तथा ये कौन से कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य होगा? दो चीज़ें पूछी हैं आपको, अनुलाभ का मूल्य क्या होगा और ये कौन से कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य होगा। और इसको जो शेयर से इश्यू करने का ऑफर दिया गया वो इसके विशेष ज्ञान एवं अनुभव को देखते हुए किया गया। लेकिन आप लोगों ने पीछे थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा है कि अगर इस तरह से अनावश्यक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है तो अपन ये देखेंगे कि उस तिथि को मार्केट प्राइस क्या था और उसको इश्यू कितने में किया जा रहा है। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उस अनुलाभ का मूल्य होगा। तो ये जो बात है वो है 10 अगस्त 2016 को विकल्प दिया था, उसको 1000 अंशों के लिए विकल्प दिया और ₹10 की दर से ये विकल्प दिया गया। लेकिन वास्तव में ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1000 खरीदे या उससे कम खरीदे। तो उसने 800 अंश ही खरीदे हैं जो ₹10 के हिसाब से हैं। तो इस तरह से जो इश्यू प्राइस है वो 800 × 10 आ जाएगी। 800 × 10 का मतलब ₹8000। ₹8000 में इसको इश्यू कर दिया। इस विकल्प का जो उपयोग किया है उसने वो गत वर्ष के दौरान किया और उसको अंशों का आवंटन हुआ है वो 18 अप्रैल 2019 को हुआ। वास्तव में कंपनी ने अंश दिए हैं इसको वो अप्रैल 2019 में, जबकि ये गत वर्ष 19-20 वाला शुरू हो गया था 1 अप्रैल 2019 से। तो इसलिए ये मामला गत वर्ष का आता है और गत वर्ष में ये कर योग्य होगा जिसका कर निर्धारण वर्ष 2021 है। ये तो हो गया इसका इश्यू प्राइस। अब उसके बाद में मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से कब का देखना है ये आपको देखना पड़ेगा। इसने विकल्प का जब उपयोग किया उस दिन बाज़ार मूल्य था ₹2500, ये लगाया जाएगा। विकल्प का जब उपयोग करता है तो प्रति अंश बाज़ार मूल्य था ₹2500। 800 अंशों के लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे, 800 × 2500 = ₹2000000। यानी उस दिन या उस गत वर्ष में उसका
जो बाज़ार मूल्य है वो 20 लाख रुपए हो गया। 20 लाख रुपए में से आप लोग घटाएंगे, 20 लाख था मार्केट प्राइस माइनस इश्यू प्राइस 8,000, दोनों का डिफरेंस है वो आएगा 19,92,000। ये 19,92,000 गत वर्ष में कर योग्य होगा। आप लोगों को इसमें तिथियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी ने तो उसको अंश खरीदने का विकल्प दिया 2016 में, लेकिन वो उसका विकल्प का जो उपयोग है वो बाद में 2019 में करता है। तो विकल्प का जब उपयोग करता है तो उसका मार्केट प्राइस देखा जाएगा। विकल्प का उपयोग जब किया उसने तो उस टाइम बाज़ार मूल्य था 2500 रुपये, तो 2500 को अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 800 से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में आओ क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित दशाओं में छुट्टियों में यात्रा व्यय में सहायता एलटीसी की करमुक्त राशि की गणना कीजिए। एलटीसी का मतलब लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन यात्रा व्यय में सहायता। इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला, राहुल 9 सितंबर 2019 को अपनी पत्नी एवं 3 बच्चों के साथ, एक पत्नी होगी 3 बच्चे, एक पुत्री जो 2 फरवरी 2012 को जन्मी थी और 2 जुड़वां पुत्र जो 5 मई 2014 को जन्मे थे, छुट्टियों में मैसूर भ्रमण पर गया। यात्रा की कुल लागत 80,000 रुपये थी। राहुल एवं उसकी पत्नी की टिकट की लागत 50,000 रुपये थी और तीनों बच्चों की 30,000, यानी एक एक बच्चे की 10,000 थी। तीनों बच्चों की टिकट की लागत हो गई 30,000, 50,000 उन दोनों के खुद के, टिकट की कुल लागत हो गई 80,000 रुपये, जिसका नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण कर दिया। आपको ये पहले पॉइंट में ये पूछा है कि ये जो पुनर्भरण किया गया 80,000 रुपये का, इसमें कर मुक्त राशि कौन सी है। तो इस स्थिति में 80,000 रुपये जो सारे मिले हैं वो सारे के सारे संपूर्ण राशि करमुक्त होगी। वैसे 98 के बाद में, 1/10/98 के बाद में बाद के जो बच्चे हैं वो केवल 2 को ही छूट मिलती है, लेकिन चूंकि बाद में पहले उसके एक पुत्री थी और 2 जुड़वां हो गए 14 में, तो इसलिए उसको एक ही माना जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, छूट पूरी दी जाएगी। तो पहले पॉइंट के आंसर कंप्लीट हो गए कि पूरी 80,000 रुपये की राशि उसके लिए करमुक्त होगी। दूसरा पॉइंट, उपरोक्त मामले में यदि जुड़वां पुत्र 2012 को जन्मे हों एवं पुत्री 5 मई 2014 को जन्मी हो तो करमुक्त की राशि कितनी होगी। ये भी 98 के बाद के मामले हैं, तो 98 के बाद में 2 बच्चों के संबंध में ही छूट मिलती है। तो उसको 2 फरवरी 2012 को 2 बच्चे हो जाते हैं तो उसका कोटा पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद में एक पुत्री और हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में अब पुत्री की छूट नहीं मिलेगी। तो ये 3 बच्चे हैं जिनके ऊपर खर्चा हुआ 30,000 का, 30,000 डिवाइडेड बाई 3 बराबर एक, एक बच्चे पर खर्चा होता है यात्रा का 10,000 रुपये। तो बाद वाली बच्ची के संबंध में 10,000 की छूट नहीं मिलेगी, इसलिए छूट कितनी मिली, बच्चों के संबंध में 20,000 की और हस्बैंड वाइफ की 50,000 की, 50 और 20 70,000 की छूट मिल जाएगी दूसरी परिस्थिति में। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 30। अब उसके बाद में आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31। 31 का है, श्री मनोज गुप्ता एक सरकारी अधिकारी है। सरकारी अधिकारी कहते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि वो सरकारी कर्मचारी है, ये बात क्लियर हो गई। और जब सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कर्मचारी का गत वर्ष का वेतन अपन शामिल करेंगे
उन्नीस बीस में जो वेतन शामिल होगा वो होगा मार्च टू फरवरी, मार्च 19 से शुरू करके फरवरी 20 तक। ये बात इम्पोर्टेंट है जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में इसके वेतन की डिटेल दे रखी है। उसकी वेतन श्रृंखला है 15600-39000। ये वेतन श्रृंखला है जिसको कहते हैं अपन पे स्केल, ये उसकी पे स्केल है। और 1/7/2017 को वेतन है, यानी 1 जुलाई 2017 को उसका वेतन दे रखा है 20,300 रुपये। फिर उसके बाद में उसको ग्रेड पे दे रखी है 8,000 रुपये। ग्रेड पे भी मूल वेतन का भाग होता है, तो कुल मिला के 1/7/2017 को उसको 20,300 तो ये मिल रहे थे, और ग्रेड पे और जोड़ देंगे अपन 8,000 की, तो 28,300 रुपये बेसिक पे मानी जाएगी 1/7/2017 को। और जो पूरे एक साल चलेगी तो वो कहाँ तक चलेगी, 1/7/2017 से लेके 30/6/2018 तक, पूरे 12 महीने के लिए उसको वेतन मिलेगा 28,300, जिसको अपन कहेंगे मूल वेतन। तो ये बात आप क्लियर कर लें। फिर उसके बाद में वार्षिक वृद्धि का मतलब इंक्रीमेंट, उसको इंक्रीमेंट लगता है, वो दे रखा है आप लोगों को। उसका इंक्रीमेंट है वेतन एवं ग्रेड पे का, यानी दोनों को अपने जोड़ दिया, 20,300 और 800 जोड़ दिए, 28,300 कर दिए, 28,300 का 3% वार्षिक वृद्धि एक साल बाद में, हर एक प्रत्येक एक एक साल के बाद में, यानी जुलाई में उसको 3% की दर से इंक्रीमेंट या उसके वेतन में वृद्धि होगी। 3% किसका, जो वेतन मिल रहा है, जैसे पहले साल उसको मिल रहा था 28,300, तो दूसरे साल अब मिलेगा वो 28,300 तो मिलने हैं, प्लस 28,300 का 3% और जोड़ देंगे, वो मिलेगा, वो बेसिक पे हो जाएगा अगले साल के लिए, और फिर अगले साल में वो मिलता रहेगा, और उसके बाद में फिर 3% इंक्रीमेंट। तो इस तरह से आप लोग आगे चलेंगे। तो वेतन वृद्धि के बारे में इन्होंने कह दिया कि वेतन वृद्धि उसको 3% देनी है वेतन एवं ग्रेड पे पर, ठीक है, जो कि 10 रुपये के अगले गुणांक में पूर्णांकित किया जाएगा। तो जो 3% वाली कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, वो 10 रुपये के अगले गुणांक में परिवर्तित करेंगे। जैसे मान लो लास्ट का फिगर 73 आता है, 73 आता है, तो 73 के 80 कर लेंगे। इसी तरह से मान लो 51 आ गया तो 51 के 60 कर लेंगे। यानी अगर 10 के पूर्णांक में आंसर नहीं आ रहे हैं 3% को गुणा करने से, तो उसको आप लोगों को 10 के गुणांक में कर देना है, ठीक है, ये काम कर लेंगे। फिर उसके बाद में महंगाई भत्ते के बारे में ये बताया है नीचे, महंगाई भत्ते की गणना वेतन एवं ग्रेड पे। महंगाई भत्ता उसको जो मिलेगा वो वेतन और ग्रेड पे दोनों को जोड़ के उसके ऊपर उसको इस तरह से मिल रहा है, 1 जनवरी 2019 से जून 30, 2019 अपना जो गत वर्ष शुरू होगा वो होगा मार्च से, तो मार्च अप्रैल मई और जून 4 महीने का मामला है, 4 महीने की का जो वेतन होगा उसके ऊपर उसको मिलेगा 30%। फिर इसी तरह से दे रखा है जुलाई 2019 से, अब उसके बाद में जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक उसको जो वेतन मिल रहा है वेतन और ग्रेड पे दोनों जोड़ के जो मिल रहे हैं उसका 40% मिलेगा महंगाई भत्ता दिसंबर तक, लेकिन गत वर्ष तो जाके पूरा होगा फरवरी 20 में, तो 2 महीने और बच गए, तो जनवरी 20 से लेके और जून 30 तक उसको मिल रहा है महंगाई भत्ता 50%, किसका, वेतन और ग्रेड पे का। ये बात अब आपको पूछा है इन्होंने कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए उसकी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय, तो सबसे पहले तो आप एक टेबल बना के उसमें बेसिक सैलरी ज्ञात करेंगे। तो बेसिक सैलरी ज्ञात हुई 1/7/2017 से लेके आप लिखेंगे 1/7/2017 टू 30 जून 2018, 30/6/2018 बराबर एक साल उसको वेतन मिल रहा है 28,300,
अब इस टेबल के नीचे आ जाएंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, अब एक साथ 18 शुरू हो गया, अगला साल शुरू हो गया और ये अगला साल ख़त्म होगा 18-19 में, यानी 30-6-19 को ख़त्म होगा। तो पहले उसको पहले साल 28,300 मिल रहा था, उसका 3% मल्टीप्लाई करके 28,300 में जोड़ते हैं और 10 के गुणांक में बदलते हैं तो ये राशि आ गई 29,150। दूसरे साल 30 जून 2019 तक उसको मिलती रहेगी 29,150। अब आएंगे अपने गत वर्ष में, गत वर्ष तो वैसे शुरू हो गया अपना 19 का, लेकिन पूरा 20 तक आएंगे तो 1,7-19 से 30-6-20 तक अब उसको मिलेगा। इससे जस्ट पहले मिल रहा था 29,150, 29,150 को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 3% से, 3% से गुणा करेंगे और जो फिगर आता है उसको 10 के गुणांक में बदल देंगे तो ये राशि आ रही है 30,030। इस तरह से ये तीन कैटेगरी हो गई, पहले साल मिलने 28,300, फिर 29,150 मिलने शुरू हो गए और फिर उसके बाद में 30,300। अब उसके बाद में आप लोग इसकी बेसिक पे निकालेंगे, तो बेसिक पे निकालेंगे तो वो अपन मार्च 19 से शुरू कर रहे हैं। मार्च 19 की टेबल आपके पास में है, मार्च 19 से लेके और उसको 8 महीने के दौरान वेतन मिल रहा है 29,150 और फिर उसके बाद में वेतन इसका आया बेसिक पे, ये जो आपने 29,150 अपन कर रहे हैं ये मिलेगा मार्च अप्रैल मई और जून 4 महीने के लिए, तो 4 को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 29,150, 4 × 29,150 अगर करते हैं अपन तो ये राशि आती है 116,600। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 4 महीने, 4 महीने मिल रहे हैं 29,150 और फिर 8 महीने तनख्वाह मिल रही है उसको 30,030, 8 को गुणा करेंगे 30,030 से तो ये राशि आ गई 2,40,240। ये हुआ उसका मूल वेतन बेसिक पे। बेसिक पे के बाद में अब उसको डीए भी मिलेगा, तो डीए की गणना करते हैं। डीए वो कहते हैं डीए उसको 30 जून 2019 तक, मार्च अप्रैल मई जून, जो 4 महीने में तनख्वाह मिली है उसका 30%, तो 4 महीने में तनख्वाह मिली 116,600 × 30% बराबर डीए हो गया 34,980। ये बात हुई 4 महीने की जून तक की और फिर उसके बाद में जुलाई से लेके दिसंबर तक, जुलाई से दिसंबर तक उसको मिलता है 40% डीए। तो पहले आप जुलाई टू दिसंबर की तनख्वाह यानी 6 महीने की 6 × 30,030 और इसका 40% करेंगे तो बराबर ये आ गया 72,072, तो 10 महीने हो गए। अब 2 महीने और बच गए, 2 महीनों में उसको वेतन मिल रहा है 30,030, तो अपन गुणा करेंगे 2 × 30,030 और अब उसको डीए यहाँ मिल रहा है 50% × 50%, तो ये हो गया 30,030। तो बेसिक सैलरी का फिगर जो आया अपने पास में 116,600, 240,240 आ गया, ये बेसिक पे आ गई और डीए तीन तरह का आ गया, 34,980, 72,072 और 300,030। इन सब को अगर जोड़ते हैं तो ये आ जाती है ग्रॉस सैलरी और जिस जो का जोड़ आता है 4,93,922, 4,93,922 ग्रॉस सैलरी। अपने को ज्ञात करनी है कर योग्य वेतन, तो इसमें से लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दिया 50,000 का, तो ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 4,43,922।
बेसिक पे की गणना में आप लोग ये ध्यान कर लेना कि मेरे से भूल से उसमें बेसिक पे जो शुरुआत में 8 × 29 150 लिखी गई, 8 लिखा गया, वो 8 नहीं है, वो 4 है, 4 × 29 150 4 महीने की है वो, और बचे हुए 8 महीने हैं 30,030। तो इस तरह से ये कैलकुलेट आप कर लें और इसको पढ़ते रहें। थैंक यू।